दोस्तों संस्कृत बोलिए और अपने पति को भी सिखाइए, ताकि जब घर में लड़ाई हो तो आस पड़ोस में पता चले कि घर में हवन हो रहा है, ना कि लड़ाई। अगर झूठ बोलने से तौवा काटता है तो सच बोलने से कौन सी कबूतरी पूछी रह जाती है। देखो बेबी वहाँ देखो, हाँ? वो कुत्ता और कुतिया कैसे किस कर रहे हैं। तुम्हारी इजाजत हो तो मैं भी कर लूं। हाँ कर लो, कोई बात नहीं, पर इतना ध्यान रखना वो कुत्ता तुम्हें नहीं काट ना लेवे। सब कहते हैं तेरे तो बड़े मजे ही मजे हैं, अब उन्हें मैं कैसे समझाऊं कि दो सास चार देवरानी जेठानी के बराबर अकेले ही है मेरा पति। तो दोस्तों माँ जो होती है वो हमेशा छोटी मुसीबतों में काम आती है, जैसे भी चीटी काटती है ओए माँ, और बाप जो होता है ना वो बड़ी मुसीबत में काम आता है, जैसे भी अगर शेर पीछे पड़ जाए तो ओ बाप रे। सुनो ये लीजिए, बच गयो बच गयो। बच गयो नहीं, बच रहे आप। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ जाऊंगा एकदम। ठीक है ठीक है। अजी सुनिए ना। हाँ। चलिए ना मुझे कहीं घुमाने ले चलिए ना, हम बहुत दिनों से कहीं गए भी नहीं है। तो कहाँ चलना घूमने के लिए? जहाँ आप चाहे। मैं चाहूँ वहाँ चलना है ना। हाँ। पकड़ो हाथ। घूम लिए, एक बार और घूमना है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हो गया। दोबारा बोलना मत मुझे घूमने के लिए। क्या हुआ? अरे यार कुछ नहीं हुआ, कल मैं मेले में गया था, वहाँ नाम लिखने वाला बैठा था, तो मैंने उसको बोला यार सोनू लिख दे, और उस गांडो ने यार चौधू लिख दिया। यार मीट ही नहीं रहा यार। कभी कभी तो ये नहीं पता चलता है ये नेट फ्री है कि साले हम फ्री है। Hey! ना चाहते हुए भी फोन चलाना पड़ता है, चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। बताओ किधर जा रही हो? अरे बाहर जा रही हूँ। बाहर क्या है? तो अंदर क्या है? जाओ जाओ। हेलो कहाँ पर हो? ऑफिस में हूँ, क्यों क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो पड़ोसन भाग गई थी ना इसलिए फोन किया। अरे यार तुम बहुत शक करती हो मेरे पे यार, क्या हो गया तुम्हें? हाँ तो पूछ ही तो रही हूँ।